पेशे से तो मैं वैसे कुक हूँ, खाने का मजा ही कुछ और है। ऐसा लगता है कि तुम मेरे पति हो ही नहीं। आप कितने अच्छे हो छोटे मालिक, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। इतने जल्दी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, अब मैं यहीं रहूंगी आपके पास। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप तो अच्छे से जानते हैं मंत्री जी, हम इतने सालों से पार्टी को फंड देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। भानु सिंह के होते हुए कभी पार्टी को पैसों की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ इस बार राज्यसभा का टिकट दिलवा दीजिएगा हमें। पैसा तो हमने बहुत कमा लिया, पावर चाहिए। चलिए दिल्ली आकर मिलते हैं आपसे। नमस्कार। साहब एक लड़की आपसे मिलने आई है। कौन लड़की? पता नहीं, लेकिन आपसे मिलने की जिद पकड़ के बैठी है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। जी। नमस्ते सर। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? सर मेरा नाम मोहिनी है, पेशे से तो मैं वैसे कुक हूँ, काम की तलाश में हूँ। यहाँ शहर में नहीं आई हूँ, मुझे पता चला आपके यहाँ एक कुक की जरूरत है तो यहाँ आ गई। तुम्हारा नाम तो बड़ा प्यारा है मोहिनी, पर अफसोस इस बात का है कि हमने कल ही किसी से कुक के लिए बात कर ली थी। सर प्लीज मना मत कीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। मुझे सब कुछ बनाना आता है, इंडियन चाइनीज वेज नॉन वेज सब बना लेती हूँ मैं। पता है जहाँ मैं पहले काम करती थी ना, वहाँ के लोग उंगलियाँ चाट चाट कर मेरा का खाना खाते थे। प्लीज रख लीजिए ना नौकरी पे। प्लीज मुझे नौकरी पे रख लीजिए ना। जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मना कैसे कर सकता हूँ। समझो तुम्हें रख लिया। हैप्पी? थैंक यू सर। वैसे हमें भी उंगलियां चाट कर खाने का बहुत शौक है, और अंगुली किसी और की हो तो खाने का मजा ही कुछ और है। आज से क्या अभी से काम शुरू कर दो, किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक हमें बोल देना। अब दिलीप मोनी को जाकर रसोई दिखाता हूं। जी सर। शुक्रिया। मैं कब से आवाज लगा रही हूँ? पार्टी में नहीं जा रहे हो तो कम से कम ये तो बता दो कि मैं कौन सी ड्रेस में अच्छी लगूंगी। मैं कब से परेशान हो रही हूँ पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जा रहा। ऐसा लगता है कि तुम मेरे पति हो ही नहीं। आरोही, I'm sorry, मैं नोट्स बनाने में बिजी था, पर
वैसे भी सारी ड्रेसेस अच्छी लग रही हैं, जो मन करे वो पहन लो ना यार। तुमसे बात ही करना बेकार है, एक काम करो तुम अपने नोट्स बनाने में बिजी रहो। हरोई तुम बेवजह गुस्सा क्यों होती रहती हो यार, तुम अच्छे से जानती हो एक महीने बाद मेरे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं और वैसे भी टाइम कम है मेरे पास, इसलिए मैं पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे कर रहा हूँ। पत्नी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए पढ़ाई है, जब पढ़ाई ही करनी थी तो शादी क्यों किया? कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हरोई प्लीज शांत हो जाओ, फालतू तमाशा मत खड़ा करो यार। तमाशा मैं खड़ा कर रही हूँ? तमाशा तुम बना रहे हो, वो भी हमारे रिश्ते का। सही बोल रही है बहू, इस पढ़ाई लिखाई के चक्कर में क्यों अपनी शादीशुदा जिंदगी को बैरंग बनाने पे तुला है तुम? अरे अफसर बनने की जिद छोड़ और अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश कर। जिसने कभी अपनी पत्नी को खुशी नहीं दी वो आज अपने बेटे को नसीहत दे रहा है। अभिषेक पापा पे चिल्लाने से मेरा हौसला कम नहीं होने वाला, आप अच्छे से जानते हैं ये सपना मेरा नहीं था, ये सपना मेरी माँ का था और मैं अपनी माँ के सपने को हर हाल में पूरा करूंगा पापा। अपनी माँ की तरह यह भी बहुत जिद्दी है, पर तुम चिंता ना करो, अब समय के अनुसार सब ठीक हो जाता है। अरे हाँ, अपने घर में एक नई कुक रखी है, उसे जाकर तुम मिल लो, उसे बता दो कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है क्या नहीं। जी पापा जी। जी अम्मा, बहुत बड़े घर में नौकरी लगी है हमारी खाना बनाने की, बड़े मालिक बहुत अच्छे हैं दिल के, बहुत बड़ा घर है। अब आप परेशान मत होना, बड़े मालिक ने कहा है कि पगार भी अच्छी देंगे, हम आपको पैसे भेजते रहेंगे। अब मैडम आ रही हैं, फोन रखो। अच्छा अम्मा, हम बाद में बात करते हैं। नमस्ते मैडम। वो क्या है ना, नौकरी मिलने की खुशी में हम बात करने लगे थे। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि खाने में क्या क्या बना लेती हूँ। सब बना लेती हूँ मैडम, आप जो बोलो वो बना के दूंगी। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में मेरे रूम में आ जाना, मैं तुम्हें अपना डाइट चार्ट दे दूंगी, फिर उसी के हिसाब से मेरा खाना बनाना। जी मैडम। कौन थी ये जो इतनी जली कटी सुना के गई है मुझे? अरे बड़े साहब की बहू है, अभिषेक भैया की पत्नी। आज के रहना बड़ी तेज है। नमस्ते छोटे मालिक, आपके लिए जूस। नमस्ते, लगता है तुम नई आई हो इसलिए शायद तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे जूस पसंद नहीं। जी मालिक, आज हमारा पहला दिन है। दिलीप ने हमसे कहा था कि आपको जूस पसंद नहीं है, पर फिर हमें पता लगा कि आप दिन रात पढ़ाई करते हैं, तो लगा कि जूस पीना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत प्यार से बनाकर लेकर आए मालिक, प्लीज पी लीजिए। बातें बड़ी अच्छी कर लेते तुम। बातों के साथ साथ काम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं हम। पी लूंगा। अच्छा मालिक, हमें आप ये बताइए कि आप लंच और डिनर में क्या पसंद करेंगे? आरोही मैम ने कहा है कि आपसे पूछ लूं। जो तुम्हें लगे बना दो। ठीक है, तो आपके लिए स्पेशल राजमा चावल बनाते हैं आज। मालिक जूस पी लीजिएगा, नहीं तो फायदा नहीं करेगा। हाँ। वैसे जूस के फायदे का तो पता नहीं, पर यहां आके मोहिनी को बहुत फायदा होगा। वर्मा जी, फाइल तो हमें मिल गई है और डाटा भी चेक कर लिए हैं। एक काम करो, आप कल ऑफिस आना, वहीं बैठकर बात करते हैं।
अरे तुम कब आई? आपके लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई हूँ। काम के साथ साथ थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। तुम्हारे हाथ से दूध पीते ही ये दूध भी अमृत बन गया, आनंद आ गया। हम आते हैं। हाँ, इंतजार करूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मूंछ लग गई। ओहो, उठो उठो उठो। अच्छा बैठ बैठ बैठ, यहाँ बैठ जा, आराम मिल जाएगा। अरे ला ला ला, मैं थोड़ा मल देता हूँ। हाँ लाओ 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 लाओ। और आराम मिलेगा। मैं मालिश कर रहा हूं ना, ये थोड़ा अंगुली को खींच दो, देखा? ऐसे मेरे बचपन में पांव में मोच लगी थी ना, ऐसे निकली थी। अब थोड़ा आराम मिला, पर इस हालत में घर कैसे जाएंगे हम? घर जाने की जरूरत कहाँ है, यहीं ठहर जाए इसी घर में। तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, प्रॉमिस। ठीक है, आप जैसा कहें साहब। अब मैं यहीं रहूंगी, आपके बंगलों में, आपके पास। हाँ वो एक मिनट। हाँ धीरे धीरे धीरे। दिलीप, दिलीप। हाँ साहब। मोहिनी अब इस घर में यहीं रहेगी, इसके कमरे की जाके व्यवस्था कर, जा। जी सर। अब व्यवस्था हो गई है। ये रहा तुम्हारा कमरा, और हाँ सुबह समय से उठ जाना, नहीं तो आरोही मैम बहुत चिल्लाएंगे। वाह मोहिनी, पूछ आने का क्या खूब ड्रामा किया है तूने, अब आएगा ना मजा। अभी तो शुरुआत हुई है इस घर में, आगे आगे देखो क्या करती है मोहिनी। आपके लिए कॉफी लाए हैं। कॉफी से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और नींद भी नहीं आती। हाँ शायद इसी की जरूरत थी मुझे। सॉरी सॉरी मालिक, मैं साफ कर देती हूँ। बस रहने दो। नाइस कॉफी, थैंक यू। आरोही मैडम दिखाई नहीं दे रही छोटे मालिक। आरोही अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में गई है। आप नहीं गए पार्टी में? नहीं, मुझे पार्टी और शोर शराबे वाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात पूछे छोटे मालिक आपसे। हाँ कहो।
आपके पापा इतने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा कारोबार है, फिर भी आप इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो? आपको क्या जरूरत है? मेरी माँ का सपना था मैं बड़ा होकर पढ़ लिख कर अफसर बनूं और लोगों की सेवा करूं। इसीलिए मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं। और वैसे भी मुझे अपने पापा के पॉलिटिक्स और पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें भी पढ़ाई करने का बहुत शौक था, कुछ बनना चाहते थे, पर घर की हालात ऐसी हुई कि हमें पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, तुम अभी भी काम के साथ साथ पढ़ाई कर सकती हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। रात ज्यादा हो गई मोहिनी, जाकर सो जा। जी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। जैसा हमने प्लान किया था सब ठीक से हुआ है। सारी फील्डिंग उठा दी है मैंने, बस चौका छक्का मारना बाकी है। वो मैं तुम्हारे पाँव में मोच आई थी ना, बस वही पता करने आया था। कैसी अभी? हाँ अभी तो दर्द कम है, आपने इतने प्यार से जो सहलाया था सारा दर्द ही भाग गया। अपने साहब को खुश रखोगी ना तो सारे दर्द दूर हो जाएंगे। बहुत खुश रहोगी तुम यहाँ। मालिक को खुश रखना ही तो मोहिनी का काम है। अच्छा तो चला जा। आना आया मैडम, नाश्ता तैयार है। आरोही मैडम कहाँ हो आप? हिम्मत कैसे हुई मेरे हार को हाथ लगाने की? मैं वो साफ कर रही थी मैडम। तो सफाई करते करते मेरा हार साफ करना चाहती थी? नहीं मैडम ऐसा नहीं है। तुम जैसी दो कौड़ी लोगों को अच्छे से जानती हूँ मैं। आरोही इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अगर गलती से उसने पहन लिया तो क्या हो गया? प्लीज शांत हो जाओ आरोही। अभिषेक तुम बीच में मत बोलो, तुम ऐसे छोटे लोगों को जानते नहीं हो। कीमती सामान देखते ही इनकी नीयत बिगड़ जाती है। आगे से मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। चलो निकलो यहाँ से। ऐसे कौन बात करता है? एक हार क्या पहन लिया, इतना चिल्ला रही थी। बहुत जल्द उसका वो हार मेरे गले में होगा। मोहिनी
जी छोटे मालिक। मोहिनी, आरोही ने जो तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम लोग तो गरीब है मालिक, हमारी किस्मत में ये सब लिखा हुआ है, अब तो आदत हो चुकी है सब सहने की। मोहिनी, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ये दुनिया सबके लिए बराबर है, इस दुनिया में सबको खुश रहने का अधिकार है, तुम्हें भी है। आप कितने अच्छे हो छोटे मालिक, सबका दर्द समझते हो। मोहिनी, ये रहे मालदीव्स की दो टिकट्स। अभिषेक के साथ बाहर जाओ और मजे करो बहू। वाओ पापा जी, थैंक यू। अभिषेक देखो ना, पापा जी ने हमारे मालदीव के टिकट्स बुक किए। कितना मजा आएगा ना, हम बाहर घूमने जाएंगे। आरोही, मैं कहीं नहीं जा सकता, दो हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स हैं। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी को मेहनत और ईमानदारी के पैसे से बाहर ले जाऊंगा, बेईमानी और लूट के पैसों से नहीं। अरे यार, जब देखो ईमानदारी का उल्टा पड़ता रहता है। सोचा था दोनों बाहर चले जाएंगे तो मोहिनी के साथ अकेले में मजे करूंगा, सारी प्लान पर पानी फेर दिया। कितना काम करोगे, थोड़ा समय अपने मालिक के लिए भी निकाल लिया करो। मोहिनी तो अपने मालिक की है, आप आवाज दीजिए, आ जाएंगे आपकी बाहों में। ये तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। आहा, कितनी सुंदर है ये ड्रेस, और कितनी महंगी भी होगी ना। हाँ, जब ये तुम पहन लोगी तब ये खूबसूरत हो जाएगा। सुनो, आज रात को यही ड्रेस पहनकर तैयार रहना, तुम्हें जन्नत की शेयर करवाऊंगा। अब तो ये रात कब होगी इसी का इंतजार है। हाँ वो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सर साहब, मैं दफा हो जाए यहाँ से, और आज से तेरी ड्यूटी रसोई में नहीं, रसोई के बाहर रहेगी, निकल। हाँ जब चाहे घुस जाता है अंदर। अब तो आप और हम। साहब अभी थोड़ा काम है, रात का थोड़ा इंतजार कीजिए, आज की रात बहुत यादगार होगी। अब ये कॉफी पिलाकर तुम्हें मैं अपने मुट्ठी में कर लूंगी छोटे मालिक। छोटे मालिक, आपके लिए कॉफी। थैंक यू, तुम मुझे रोज बिना कहे कॉफी लाके देती हो, इससे मुझे वाकई एनर्जी मिलती है। ठीक थी कॉफी? हाँ ठीक थी। क्या हुआ छोटे मालिक, आप ठीक तो है ना? मोहिनी, चक्कर सा आ रहा है।
आप आइए छुट्टी मालिक। मोहिनी आप लेटिए अच्छे से। क्या हिरनी जैसी चाल है तेरी। कब से इंतजार कर रहा था मैं। क्या बात है। सोलह में पहुंच गया। आनंद आ गया। ओ मेरी जान, क्या बात है। आज तो गजब कर रहा था साहब। कुछ बात करनी थी आपसे। बात कल कर लेना, अभी तो अपने साहब को खुश रखने पर फोकस कर। नहीं साहब, जरूरी बात है, मुझे पैसे की जरूरत है। हाँ कल दे दूंगा, ले लेना 5-10 हजार रुपये। मुझे 5-10 हजार नहीं, मुझे 10 लाख चाहिए। 10 लाख कभी सपने में भी देखे 10 लाख रुपए? अरे तेरे साथ 2-4 दिन हमने मजे क्या कर लिए, सर पे चढ़ गई 10 लाख रुपए। यही समझ लीजिए, ये जो आप मेरे साथ मजे कर रहे हो, मैं उसी की कीमत मांग रही हूँ। तुम्हें कीमत चाहिए? अगर दोबारा इस तरह की बकवास की ना, तो दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे हम। अपनी औकात में रहे लड़की। 10 लाख रुपए चाहिए इसे। ये देखिए जरा। कल तक मुझे 10 लाख मिल जाने चाहिए, नहीं तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी और फिर ये सारी नेतागिरी ना निकल जाएगी। चलती हूँ साहब, बहुत काम है मुझे साहब। क्या चाहती हो तुम? क्यों किया ये सब? ये मुझे धोखा दिया। अरे ना छोटे मालिक, आप इतने भले आदमी हैं, हम आपको धोखा कैसे देंगे? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप आरोही मैडम का हीरो का हार जो है ना, वो मुझे ला कर दे दीजिए। बस फिलहाल इतना ही, बाकी हम बाद में बताएंगे। ये सब मुझसे नहीं होगा। और तुम ये बिल्कुल गलत कर रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल तो आप अपने अंजाम के बारे में सोचिए तो अच्छा होगा। अगर आपने मेरा कहा नहीं माना ना, तो हमारी प्यारी सी वीडियो आपके पापा और पत्नी को दिखा दूंगी। फिर आपके साथ क्या होगा आपको पता है ना, आपकी शराफत और ईमानदारी की धज्जियां उठ जाएंगी। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते रहिए छोटे मालिक। तो अच्छे बच्चे की तरह जाइए और वो हीरो का हार मुझे ला दीजिए। अच्छा एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत काम है छोटे मालिक।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे देख के घबरा क्यों गए? कुछ नहीं। इसको क्या हो गया? पूरे 10 लाख रुपए हैं। इस बैग को उठा और दफा हो जाए यहां से, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। निकलो। आम को तब तक चूसा जाता है जब तक उसका सारा रस खत्म ना हो जाए। आप मेरे लिए आम ही हो। जब तक आपको मैं अच्छे से चूस नहीं लूंगी ना पूरी तरह, मैं कहीं नहीं जाने वाली। और हाँ, आपकी वजह से मुझे इतनी सी भी खरोच आई ना, तो मेरे जो बाहर बैठे आदमी है वो वीडियो वायरल कर देंगे। तो मुझे धमकी देने के बारे में सोचना भी मत, समझे? मैडम थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे क्या हुआ बहू, क्यों घर को सिर पे उठा रखा है? पापा मोहिनी को कब से आवाज लगा रही, पर पता नहीं वो काम छोड़ के कहाँ चली जाती है। हाँ माँ। हाँ, अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपसे बहुत जल्द मिलने आएंगे अम्मा। अच्छा अम्मा, बाद में बात करते हैं। मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ और तुम अपनी अम्मा से बात करने में लगी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मोहिनी, इन नाजुक हाथों को संभाल के रखिए मैडम, बेकार में हड्डियां टूट जाएंगी। पापा जी, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? अभी के अभी इसे इस घर से धक्के मार के निकालिए। बहू, इसमें गलती तुम्हारी ही है। क्या जरूरत थी मोहिनी पर हाथ उठाने की? जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं समझा दूंगा इसे। पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस 2 टके की औरत को निकालने के बजाय आप मुझे समझा रहे हैं? अरे बहू, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। लेकिन अब और नहीं, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम चुपचाप ये वीडियो डिलीट करो, अभी और इसी समय। अरे अरे छोटे मालिक, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो शुरुआत हुई है, इतनी जल्दी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। देखो मोहिनी, तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और कुछ दिनों बाद मेरा एग्जाम भी है जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी भी की हुई है। प्लीज़ मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो तुम। आप सच में चाहते हैं कि मैं आपको ब्लैकमेल करना बंद कर दूँ, पढ़ाई में डिस्टर्ब भी ना हो आपको? तो जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, ठीक है छोटे मालिक? अच्छा आप अभी जाइए, हम आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लेके आते हैं। हीरो का हार।
हो गया ना एग्जाम में फेल, कर लिया अपना सपना पूरा। पहले ही बोला था ये अफसर बनने का सपना छोड़ दो और अपने घर के बिजनेस पर ध्यान दो, अपनी जिद के आगे हमारी बात नहीं सुनो, अब भुगतो। जब फेल ही होना था तो क्या फायदा हुआ दिन रात पढ़ाई लिखाई करने का? इससे तो अच्छा तुम हमारे रिश्ते पे ध्यान देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नालायक, बहुत बुरा लगा मुझे सुन के कि आप एग्जाम में फेल हो गए, पर इस चक्कर में मेरी बात मत भूल जाना, आज शाम 5 बजे तक मुझे पूरे 50 लाख कैश चाहिए, समझे? और अगर नहीं मिले ना तो वो वीडियो याद है, वो वीडियो मैं सबको दिखा दूंगी। तो फेल होने के साथ साथ दो दो झटके, ठीक है अभिषेक बाबू? 50 लाख आज शाम तक। अपनी गलतियों की वजह से मम्मी आपका सपना पूरा नहीं कर पाया मैं। मुझे माफ करना मम्मी, मुझे माफ कर। गलती मैंने की है तो इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। ये लो, पूरे 50 लाख रुपए हैं। तुमने बोला था कि पैसे मिलने के बाद वो वीडियो डिलीट कर दोगे और हमेशा के लिए यहां से चली जाओगे। अपना प्रॉमिस याद रखना। वीडियो डिलीट हो जाएंगी नेताजी, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं अपना काम तो पूरा कर लूं पहले। इसको पूरे पैसे तो मिल गए, अब यहाँ इसका और कौन सा काम बाकी रह गया? भानु सिंह से 50 लाख मिल गए हैं, पर ये अभिषेक फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं जाके उसे देखती हूँ। और पैसे आज ही मिल जाएंगे तो हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? इस वक्त कौन आया? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या बात है? जी, आपके घर में काम करने वाली मोहिनी को अरेस्ट करने वाले। क्यों? इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास। लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठती है। ये सब झूठ है, किसी ने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया है। मैं एक गरीब औरत हूँ साहब, मैं क्या किसी का बुरा करूंगी? बस ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दूसरे साथी को भी हमने अरेस्ट कर लिया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दूसरा साथी? ये क्या बोल रहे हो आप, मेरा कोई दूसरा साथी नहीं है। अभी पता चल गया कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है, जिसके इशारे पे तुम काम करती हो। लेकर आओ उसे।
मुझे पता था तुम जरूर आओगे। जैसा हमने प्लान किया था सब ठीक से हुआ है। सारी फिल्टर उठा दिए मैंने, बस चक्का छक्का मारना बाकी है। ये तो हमारे घर का नौकर है। जी हाँ, ये दोनों पति पत्नी है। हैं? काफी टाइम से लोगों के घर में काम के बहाने घुसते हैं, फिर शिकार बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, पर आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। काफी टाइम से हमने इन दोनों पर नजर रखी हुई थी और जैसे ही आपके घर से फोन आया हमने एक्शन लिया। पर फोन किसने किया? मैंने किया था फोन। आरोही ये औरत नहीं है, डायन है। इसने मुझे कॉफी में नशे की दवा मिलाकर मेरे साथ गलत वीडियो बनाया और उसके बाद मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मेरा जीना हराम कर दिया था इसने। इसी के चक्कर में पापा मैं फेल हुआ हूँ एग्जाम में, और इसी के चक्कर में आज मैं अपने आप को सजा देने वाला था। हेलो पुलिस, मैं सुसाइड करने वाला था। हिम्मत हार चुका था मैं, ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म कर दूं, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं कायरो की तरह आत्महत्या नहीं करूंगा और बल्कि अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और तभी मैंने इनको कॉल किया। इंस्पेक्टर साहब, इस मोहिनी ने मेरे बेटे को ही नहीं मुझे भी अपने जाल में फंसा कर लूटा है। बहुत कमीन है ये। ये लीजिए आपका बैग। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना कानून का काम है। ले चलो इन दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनको इतनी कड़ी सजा दिलवाना कि भविष्य में वो किसी और के साथ धोखाधड़ी ना कर सकें। जी जरूर। धन्यवाद। अभिषेक, तुम इतनी परेशानी में थे और मैं तुम पर कितना जुल्म कर रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चला कि आदमी पैसों से बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से। ये मैंने आज अपने बेटे से सीखा है। आओ बच्चों, गले लग जाओ।